चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कोलियस को कटिंग से किस तरह से ग्रो करें। कोलियस एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप देख सकते हैं ये पौध हमने इसे कटिंग से लगाया है। इसे कटिंग से ग्रो किए हुए करीब करीब 15 से 20 दिन हो चुके हैं और इसमें न्यू शूट्स न्यू ग्रोथ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम न्यू ग्रोथ हो रहे हैं। और आइए तो हम लोग इसे निकालते हैं, देखते हैं इसमें कितना रूट्स हुआ है अभी तक। आइए इसे निकाल के देखते हैं। देखिए देखिए कितनी शानदार रूटिंग हुई है, देख सकते हैं। भी एक काम करें तो अपने पास एक पानी जरूर रखें ताकि कटिंग ड्राई आउट ना हो जाए। इसे हम लोग वाटर में डाल के छोड़ देते हैं, देख सकते हैं। जिस तरह कंटेनर लें ऐसे, क्योंकि कटिंग ड्राई आउट ना हो जाए, कटिंग को निकालें और उधर रखते चल जाए। इससे भी हम लोग निकालते हैं। देखिए देखिए रूट्स, देखिए देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन कटिंग हम लोग का ग्रो किया है, कितना बेहतरीन कटिंग हमारा ग्रो किया है। और निकालते हैं और इससे भी निकालते हैं। ये ऊपर से मैं भी डाई हो रहा था फिर भी इसमें भी रूट्स आ गया है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। जस्ट इसे भी निकालते हैं। इसका भी रूटिंग हो गया है, देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर है, कितना बेहतरीन रूट्स। देख सकते हैं रूट्स आप। ये भी एक कोलियस है, इसे हमने एक अलग मीडिया में ग्रो किया था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है। ये जरबेरा में लगा हुआ, देखिए जरबेरा में भी बर्ड्स आ रहा है। देखिए ये खिलने वाला है कुछ दिनों में जरबेरा, ये इसी में लगा हुआ है। आइए इसे भी हम लोग निकालते हैं। देख सकते हैं इसका रूट सिस्टम कितना बेहतरीन रूटिंग हुई है, देख सकते हैं कितना बेहतरीन रूट्स आ गया है इसमें। उम्मीद है यही कि इसका रूट्स टूटे ना, ये इसका रूट्स नहीं है। तो आपने देखा हम लोगों ने कटिंग को, कोलियस की कटिंग को हम लोगों ने निकाल लिया है। अब आइए इसे हम लोग फर्स्ट पॉटिंग करेंगे। तो फर्स्ट पॉटिंग के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ये 4 इंच के टब, ये 4 इंच के पॉट हैं आप देख सकते हैं। आइए इससे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका फर्स्ट पॉटिंग के लिए पॉटिंग मिक्स क्या होगा। 3 पार्ट्स गार्डन सॉइल एंड 1 पार्ट गोबर, जो हम लोगों ने पहले से मिक्स करके रखा है। आप देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने इसे पहले से मिक्स करके रखा है, ये पॉटिंग सॉइल है। और आइए इसे हम लोग पॉट में लगाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप कभी भी किसी भी कटिंग्स को निकालें तो एक अपने पास एक पानी का कंटेनर जरूर रखें जिसमें आप कटिंग को निकाल करके डाल दें, क्योंकि अगर आप सब प्रिपेयर करने जाएंगे तो ये कटिंग ड्राई आउट हो जाएगा। तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप सब प्रिपेयर कर लें, कटिंग को वाटर में डाल दें, उसके बाद लगाना स्टार्ट करें। हम लोग ये पॉटिंग सॉइल लेंगे, एक ये 4 इंच का पॉट लेंगे, एक इसमें ये डालेंगे, ये जाएगा पॉटिंग सॉइल इसमें और ये जाएगा कटिंग। बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस कर दें, अच्छा से प्रेस कर दें। ये लग गया हमारा कटिंग, और भी इसको लगाते हैं।
ये हमारा फर्स्ट पॉटिंग हो गया। तो अभी हम लोगों ने इसका फर्स्ट पॉटिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है कोलियस, वाकई बहुत ही मनमोहक है। अब आइए हम लोग इसमें वाटरिंग करते हैं। सब में एकदम भरपूर वाटरिंग कर देना है हमें, इसे तुरंत वाटरिंग कर देना चाहिए प्लांट लगाने के बाद। आस्ते आस्ते पानी देते हैं, मिट्टी डिस्प्लेस ना हो। आप देख सकते हैं कोलियस के लिए हमने मिट्टी कितना बेहतरीन बनाई। इसमें पानी डालते ही सारा पानी नीचे से निकलने लगा है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल कोलियस के लिए इसी तरह की मिट्टी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि पानी डालते के साथ ही इसमें सारा पानी निकलना चाहिए। देख, इसका फर्स्ट पॉटिंग कर दिया, इसमें वाटरिंग कर दिया। अब इसमें जो पत्तों में जो मिट्टी लगी उसे हम लोग हल्का करके धो देंगे, जिससे फंगस वगैरह ना अटैक करे। इससे इसको मिस्ट कर देते हैं और इसे हम लोगों को एकदम सीडी प्लेस में रखना है, छाएदार जगह में। और उसके बाद इसमें हमें पानी को सूखने नहीं देना है। पानी हमें तभी देना है जब इसकी मिट्टी ड्राई हो। ऊपर का फिंगर से टच करके फील कर सकते हैं, जब भी ऊपर का एक दो तीन सेंटीमीटर की सॉइल ड्राई हो तभी इसमें वाटरिंग करें। और ये हो गया, और इसे हम लोग अभी 5-10 दिनों तो कुछ नहीं देने वाले, इसमें कोई फर्टिलाइजर कुछ नहीं देना है। 5-10 दिनों में हमें 5-10 दिनों बाद हम लोग इसमें NPK 12x7 का एक डोज देंगे, जो 1 ग्राम 1 लीटर करके इसमें फॉलियर स्प्रे करेंगे। और ये 3 दिन बाद 3 डोज देना है, मतलब कि आज मैंने 12x7 दे दिया, फिर 3 दिन बाद ये 3 बार करेंगे तो हम लोग का प्लांट पूरा सेटल हो जाएगा। क्योंकि 12x7 में अभी इसमें पोटेशियम नहीं है जो इसे फ्लावरिंग के लिए चाहिए, हमें इसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस देना है जिससे इसके रूट्स और शूट ग्रो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।